answer the phone, Mayank. तेरी पार्टी ने ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम कर दी है. आहान, पार्टी के पेमेंट्स करके आ रहा. What's wrong with you? तुझे पता है तेरी फियांसे का क्या हालत है? जल्दी इधर आ, विंग 3 के पास. यार, तू हैंडल कर लेना, प्लीज. तू इधर आ रहा है कि मैं आऊँ तुझे लेने? मुझे पता है तू कहाँ है. जाते हुए देखा था मैंने तुझे. नहीं 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 नहीं, तू रुक, मैं आ रहा हूँ. हाँ क्या यार, फिर से इस इश्की की वजह से मेरा प्लान बर्बाद हो गया. एज ऑलवेज. पता नहीं आहान ने मुझे देखा भी है या नहीं, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता. फिर से बीच में प्लान अटक गया यार. पर इस मौके का फायदा मैं उठा के रहूंगा. कहाँ घूम रहा था? देख तेरे फियांसे की हालत. सॉरी आहान, मैं इश्की को उसके कमरे तक छोड़ कर रहा था. आहान, तो मयंक की हेल्प करो, मैं सरला आंटी को उनके रूम तक छोड़ कर आती हूँ. चलिए आंटी, चलो. मेहंदी लगवाने के बाद लड़की का ये हाल है, ये लक्षण है. ड्रिंक कर करके आउट हो गई है. आहान, मैं हूं ना, मैं इसका ख्याल रखूं, ट्रस्ट मी. चलो इश्की. बी केयरफुल. चल मैं भी चलता हूँ. आराम से. कहाँ था तू? What's wrong with you? ये तेरी फियांसे, she's drunk. अगर इसे कुछ हो जाता, अगर इसका कोई फायदा उठाता तो क्या करता तू? तुझे इसकी फिक्र नहीं है? Of course है यार. अगर फिक्र होती ना तो ये ड्रंक नहीं होती. मुझे नहीं पता ये इतनी ड्रंक कैसे हो गई. मैं तो बस वहां पर पेमेंट करने गया था. और फिर पेमेंट करने गया था? पेमेंट कल भी तो कर सकता था, आज करना जरूरी था? बिल भरना इंपॉर्टेंट है कि तेरी फियांसे? तो सही कह रहा है. आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है. गॉड यार, अब ये सरला आंटी भी ना, बेचारी इश्की को पता नहीं कितने ताने मारेंगी, कितना कोसेंगी, कितना इंसल्ट करेंगी. आई एम रियली सॉरी इश्की, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था. अगर मैं होता तो तुम्हें ड्रंक बिल्कुल होने नहीं देता. थैंक्स आहान, तूने इसका ख्याल रखा,
इसे यहां तक लेकर आया। जो कुछ भी मुझे करना चाहिए था वो तुझे करना पड़ा यार। I'm really sorry for that। हाँ लेकिन मयंक, एक बार मुझे पता था तू कोई काम कर रहा था, पर ये लड़की तेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए यार। She's your fiance, इसका ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। I'm sorry, तेरे साथ रहकर भी ना मैं तेरे जैसा नहीं बन पाया यार। मैंने हमेशा देखा है तूने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है ऑलवेज, और मैं जस्ट अ लूजर यार। थैंक यू, ओके, जो हो गया सो हो गया। सर अब एटलीस्ट अब तो तू आ गया इसके पास, प्लीज जस्ट लुक आफ्टर हर। यस। मैं सरला आंटी को उनके रूम तक छोड़ आई हूँ। चल मयंक, मैं भी निकलता हूँ। रुक जाइए ना प्लीज। मयंक, इश्की नींद में भी तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। थोड़ी देर और रुक जाओ। ओके। गुड नाइट। नाइट। ऐसे ड्रंक होकर तमाशा करके तुम्हें शर्म नहीं आती? मयंक आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? You know what? तुम ना एक सोशल एम्बैरेसमेंट हो। आप इतने कड़वे क्यों हो? पर वो इतना स्वीट क्यों है? लगता है इश्की की किस्मत में इश्क है ही नहीं। रिया, वो एक्चुअली इश्की की हालत बहुत खराब थी तो हम लोग। अहान, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। दादी को, सरला आंटी को और लोगों को तुम पे शक हो सकता है पर मुझे नहीं। खैर अभी तुम रेस्ट करो, हम कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। इश्की, उसकी वजह से अहान का लेक्चर और सुनना पड़ा मुझे, और हाथाई सोनू भी बच गए यार। सोनू ऐसे चिड़िया अभी भी हाथ में ही है, उड़ी नहीं है अब तक। आपने मुझे एंगेजमेंट रिंग भी पहनाई थी। मयंक के लिए कुछ नहीं होता। तो किसके लिए होता है? आपके लिए। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री है। जो फीलिंग मुझे है ना वो आपको भी है, पर अब मैं कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे इस लड़की के बारे में सोचना बंद करना होगा। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। इश्की की शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही है, कोई तीसरा जब रिश्ते में आता है तो जिंदगियां कैसे बर्बाद होती है ये मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मेरी माँ की जिंदगी में कोई और था,
जिसकी वजह से मेरे पापा मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। जो मेरी माँ ने किया वो मैं कभी नहीं करूंगा। मेरा की कार्ड कहाँ गया? नो, की कार्ड तो अंदर रूम में ही रह गया। यार, अब मैं क्या करूं? मास्टर की मंगवाऊं या नहीं मंगवाऊं? मैंकी भाई, यहां क्या कर रहे हो? आपका रूम तो ऊपर वाले फ्लोर पे है ना? रियली? क्या है यार मैंकी भाई, आप भी ना? ओह, मैं इतना कंफ्यूज हो गया था ना, गलती से इस कमरे पे आ गया। थैंक गॉड मैं हूं यहाँ पे आप सबको सही रास्ता दिखाने के लिए। आओ, लेट्स गो। चलो मिंकी भाई। हाँ चलो ना, आओ। चलो ना, क्या देख रहे हो? रहा है जाके सबको उठा, नाश्ता वाश्ता करवा, फंक्शन वंक्शन करना है कि नहीं करना है? दादी मुझे ना कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि मम्मी की नहीं आप मेरी सास हो। मैं एक सेकंड आराम से क्या बैठ जाता हूँ, आपको प्रॉब्लम होने लगती है। सुनो तू जाके तैयारी करवाता है कि मैं उठाऊ अभी? दादी इतनी वायलेंट हो गई ना हमारी दादी। जा रहा हूँ ना। इसकी क्या है? ये सुमन जी का क्या है? कब आएंगी? बात बात हुई उनसे? बात हो गई, आ जाएंगी जल्दी। आहान भैया। भैया आपने सोनू को कहीं देखा है क्या? मैंने उसे कल रात की मेरा मतलब है कल रात से मैंने उसको कहीं देखा ही नहीं है। इधर ही कहीं होगी, चल ढूंढते। हाँ भैया चलिए। अरे बा, मेरा सर फोन क्यों रहा है? पिया तो सिर्फ जूस ही था। सॉरी। हाउ आर यू फीलिंग? अभी ठीक हो? कल रात काफी हाई थी। हाई? वही तो पता करना है मुझे। मैं ड्रिंक नहीं करती, ना किसी ने कल मुझे ड्रिंक ऑफर की, पर ये नशा हो कैसे गया मुझे? कल रात जो कुछ हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है? कुछ भी? कल रात क्या हुआ? कल रात कुछ ऐसा नहीं हुआ, बस वो सरला आंटी ने तुम्हें ऐसी हालत में देख लिया था और वो फिर तुमने उन्हें मैंने उन्हें क्या काफी कुछ कह दिया। मेरे बा, चलिए कोई नहीं, उसके लिए तो मैं उनसे सॉरी मांग लूंगी। मैंने तो मुझे ये पता करना है कि मैंने कल रात को पिया क्या। मैंने तो कल सिर्फ जूस पिया था। मतलब कल किसी ने मेरे जूस में कुछ मिलाया तो, पर किसने किया? उसकी ऐसी कम तैसी आदमी की तो, जिसने मेरे मेरे ड्रिंक में शराब मिलाया ना, उसको बाय गॉड ऐसा पकड़ के। इश्की इट्स ओके, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे तुम्हें अपने ऊपर नाराज होने की जरूरत है। जो कुछ बोला वो तो तुम्हें याद ही नहीं। मैं उस आदमी की ना चटनी बनाऊंगी सलबट्टे पे पीस के। मैं काम करती हूँ, मैं मायंक से पूछ कर आती हूँ, अगर उसके किसी दोस्त ने ये हरकत की है ना तो शादी में तंदूरी रोटी के साथ साथ तंदूरी फ्रेंड भी मिलेगा। इश्की सोच समझ के बोला करो, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा बोल दो जो तुम बाद में रिग्रेट करो। चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे,
जो याद आ रहा है ये सब सच में हुआ था क्या, या मैंने सपना देखा था? कैसे पता चलेगा कि कल रात हुआ क्या था? सोनू कितने हैं? वो सो रही होगी मम्मी जी। वे सो रही है? अभी तक लड़की अभी तक सो रही है? अरे तूने उठाया नहीं अभी तक? अब सरला जी आके ना इसी बात पे स्यापा कर देंगी। हाँ? रिलैक्स दादी, मेरी मॉम को आधा घंटा और लगेगा रेडी होने में। सरला जी अभी भी नाराज हैं? मैंने सुना कल इश्की ने बड़ा ड्रामा श्रामा कर दिता। नहीं दादी, इनफैक्ट इश्की तो बहुत स्वीट थी, पर मॉम को तो आप जानती है ना, तो हम इस मॉम कितनी स्वीट थी ये तो तेरी मम्मी आके बताएगी। बस एक गल कहूं, कोई भी लड़की अपनी शादी से दो दिन पहले ऐसे पार्टियां शाटियां करे तो बात तो गलत ही है ना। अरे कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं कहा, ये तो मेरा कमरा नहीं है। कल रात मेरे साथ क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ है। किसी ने भी ऐसा देखिए, यहाँ पर शादी है और हमें स्टाफ की जरूरत थी, इसलिए आपको रखा है, पर हमें कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। हाउसकीपिंग का रूल है कि हमेशा मास्क पहने रखें। जी। अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा, अब कोई इस मां को उसकी बेटी को देखने से नहीं रोक पाएगा। रूम है जिसमें उस लड़की के साथ
भगवान ना करे इस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ हो, मैं भी इस लड़की की हेल्प नहीं कर सकती। नहीं नहीं, जॉब मिली है, किसी को परेशान करूंगी तो मुझे जॉब से ना निकाल दे। मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मेरे बच्चों को देखना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.